प्लेस एज अ गोल्ड स्मिथ इज टेलिंग यू मस्ट हैव इन योर माइंड वेरी एक्सीलेंट एंड रिमार्केबल लाइन्स दीज आर कि एवरी माइंड सीम्स कैपेबल ऑफ इंटरटेनिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस विच नो इंस्टीट्यूशन कैन इंक्रीज. इट मीन्स स्टूडेंट्स यू मस्ट नॉट सर्च हैप्पीनेस एंड प्लीजर आउटसाइड. द अल्टीमेट सोर्स द अल्टीमेट सप्लायंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लीजर एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंटरटेनमेंट दैट इज इनसाइड यू एंड नो अदर इंस्टीट्यूशन नो अदर स्कूल कैन इंक्रीज इट इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू जस्ट कैश योर ओन माइंड. यदि आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए तो बाहर की चीजें आपको कभी भी प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती हैं. गोल्ड स्मिथ का ऐसा मानना है कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज इनसाइड यू. राइट, क्लियर? सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज इनसाइड यू. Source of pleasure is inside you. Everything is inside you. As if you have been the student of education ever in your life. अगर आप लोग कभी शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी रहे हो तो उसमें education को लेकर की यही बात कही जाती है कि शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का विकास है. अर्थात एजुकेशन कैन नेवर बी प्रोवाइडेड टू यू. एजुकेशन इज इनसाइड यू. दैट इज बीइंग प्राइम्ड बाय योर एक्सपीरियंसेस. आपको जैसे जैसे नए अनुभव प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे जो अंतर्निहित शक्ति है आपके अंदर ही वो चीज है वो डेवलप हो जाती है. क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है. अंतर्निहित शक्तियों का विकास मींस नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ पावर इज इनसाइड यू. दैट इज डेवलप्ड एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ आउटकम एज एजुकेशन. वही शिक्षा के रूप में बदल जाता है. Right? I think you are getting. The same kind of condition is with the happiness. Try to understand the feel of Goldsmith. Oliver Goldsmith is trying to say that ultimately consider yourself as the source and inspiration of all kind of happiness. Right? आपको कभी भी खुशी बाहर नहीं मिल सकती है. प्रसन्नता का स्रोत आपके अंदर है और वहीं इसको तलाश करने की कोशिश कीजिए. ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप स्वयं दुखी हैं तो बाहर कितनी भी प्रसन्नता हो, कहीं बारात आप गए हैं मान लीजिए मई के महीने में, मई वई में अक्सर बारात जाते होंगे आप लोग. नहीं जाते हैं बारात कभी गए नहीं गए हैं? अच्छा नवंबर में मान लीजिए गए हैं. हाँ जब पड़ेगा तभी जाएंगे. ठीक है, कह रही हैं. हाँ तो पता लगा कि ये एक्चुअली मैंने इसलिए मई कहा कि हम लोगों के ज़माने में मई के महीने में अक्सर रिजल्ट आते थे और हाई स्कूल इंटर में ना, तो बड़ा उस टाइम पे तो बड़ा फेल ओल होने वाला लफड़ा रहता था. आजकल तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होता है. उस ज़माने में बहुत लोग फेल होते थे. मुझे याद है जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो 21% रिजल्ट था, 21%, और मैं पास हो गया था.
येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से पास हो गए थे। तो आप बारात गए हुए, दिन में रिजल्ट आया है, दिन में रिजल्ट आया है, और रात में आप बारात गए हुए हैं, बहुत बढ़िया नाचोच हो रही और आप फेल हो गए हैं। फेल होकर के आप बारात गए हैं, तो क्या बारात में नाचते हुए लोग, बहुत सारा इंजॉय है वहां, कचौड़ी भी है और रसगुल्ला भी है और नींबू का शरबत वरबत है, पहले के ज़माने में नींबू का शरबत मिलता था, अभी तो कोल्ड ड्रिंक मिलने लगी है, तो क्या वो चीज़ें आपको खुश कर सकती हैं? इसका मतलब जो ये प्रसन्नता बाहर दिख रही है, ये प्रसन्नता आपके अंदर नहीं भर सकती है, क्योंकि आपके अंदर दुख है, राइट? क्लियर? और सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति जो टॉप कर गया है, उसके लिए भी वैसा ही वातावरण है, उसे वो बारात कैसी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? इसका मतलब चीजें बाहर नहीं बदल रही हैं, बाहर सबके लिए वही चीजें हैं, बसरते जो व्यक्ति अंदर जिस चीज को धारण किए हुए है वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है, राइट? विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है, उसका जो विक्टोरियन एज में दो जनरेशंस आती हैं, उनमें जो विक्टोरियन एज की सेकेंड जनरेशन है उसको एस्थेटिक मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट इसी चीज को जस्टिफाई करता है कि प्रसन्नता और सौंदर्य का मूल स्रोत आपके अंदर विद्यमान है, बाहर सबके लिए चीजें एक जैसी होती हैं, बसरते आप अंदर से जैसे हैं वैसी ही चीजें बाहर नजर आने लगती हैं। मींस ब्यूटी एंड हैप्पीनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड एक्चुअली, दैट इज नॉट आउटसाइड। अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में हो कोई बात तो हर बात बुरी लगती है। इफ यू हैव सम पेन इनसाइड यू, तो डेफिनेटली द थिंग्स आउटसाइड विल नेवर बी प्लीजरेबल, दैट कैन नेवर सप्लाई यू प्लीजर, राइट? तो द सेम काइंड ऑफ थिंग गोल्ड स्मिथ वॉन्ट टू से कि एवरी माइंड सीम्स कैपेबल ऑफ एंटरटेनिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस विच नो इंस्टीट्यूशन कैन इंक्रीज, नो इंस्टीट्यूशन कैन इंक्रीज। इंस्टीट्यूशन मीन्स स्कूल, स्कूल मीन्स घराना, जो एक हिंदी में वर्ड है ना, घराना एक वर्ड है, घराना, घराना को स्कूल कहते हैं या इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जैसे संगीत में आगरा का घराना, राजस्थान का घराना ना, तो वो स्कूल कहते हैं। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं हैप्पीनेस के आज के टाइम में, पता लगा कि एक इंस्टीट्यूशन राजू श्रीवास्तव है, एक इंस्टीट्यूशन कपिल शर्मा है, बोलो भाई, एक इंस्टीट्यूशन किसी जमाने में केपी सक्सेना हुआ करते थे, एक इंस्टीट्यूशन सुरेंद्र शर्मा है, ये सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है हैप्पीनेस के। अरुण जैमिनी है, भारती, हाँ सोनी ठीक बोल रही, भारती, ये सब इंस्टीट्यूशन है। बट आप ये बताओ, क्या ये इंस्टीट्यूशंस आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं? किसी का कोई स्वजन प्रियजन बिछड़ गया है, उससे अलग हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, क्या क्या कोई कपिल शर्मा, कोई डॉक्टर केसरी शुक्ला, क्या उसको हंसा सकता है? नहीं हंसा सकता है, क्योंकि उस क्योंकि जो हैप्पीनेस का सोर्स है उसके इनसाइड है। तो अगर हम सोचें कोई किसी को हंसा सकता है, कोई किसी को रुला सकता है, नहीं कर सकता है, बोलो भाई। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी से हम प्रेम करते हैं और वो अगर हमसे अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो हम रो देंगे, उसकी वजह से रो दिए, नहीं, आप उसकी वजह से नहीं रो रहे हैं, आपने उसको स्वयं अपने अंदर रखा है,
तो आप अपने रोने का कारण स्वयं है, क्योंकि आपने उसको एक स्पेस दे दिया है अपने माइंड के अंदर। किसी के चले जाने से आप दुखी नहीं होते हैं, एक्चुअली उसको आपने अपने माइंड में रख लिया है, राइट? इसका मतलब आपका माइंड उस पेन का कारण है। यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार है, आपका माइंड जिम्मेदार है। और अगर ऐसा है तो नो इंस्टीट्यूशन कैन इंक्रीज, नो सरकमस्टांसेस, कोई भी परिस्थिति आपको हंसा नहीं सकती है। इफ यू डोंट वॉन्ट टू लॉफ, अगर आप नहीं हंसना चाहते हैं कोई आपको हंसा नहीं सकता है। नो सरकमस्टांसेस अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज, नो सरकमस्टांस कैन चेंज एंड इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्चून, दिस इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्चून। यह स्वतंत्र भाग्य का विषय है, यह सौभाग्य का विषय है। हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ फॉर्चून, प्रसन्न रहना सौभाग्य की बात है। जीवन में याद रखिए स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ फॉर्चून। वट एवर सप्लायंस यू हैव, वट एवर प्रॉपर्टी, वट एवर ट्रेजर यू हैव, वट एवर मेटेलिस्टिक टिम्बर यू हैव, वट एवर फैसिलिटीज यू हैव, दैट कैन नेवर बी गारंटी कि यू आर हैप्पी। वस्तुएं प्रसन्नता की प्रत्याभूत नहीं हो सकती हैं, वस्तुएं आपको प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती है, राइट? दैट कैन नेवर गिव यू प्लीजर, इट्स मैटर ऑफ फॉर्चून। अगर आप प्रसन्न हैं तो सबसे सौभाग्यशाली हैं। इस चीज को हमेशा लाइफ में रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है प्रसन्न रहना। Having nothing he hath all, जो व्यक्ति प्रसन्न है, सर हेनरी वॉटन ने लिखा है, याद रखिएगा इस चीज को, नार होप टू राइज नार फियर टू फॉल, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ न होते हुए भी उस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, किसके पास? जो हंस सकता है, जो प्रसन्न रह लेता है। लेकिन दुनिया की दुरूहताओं ने इतना ज्यादा दुखी कर दिया है व्यक्ति को, परेशान कर दिया है इंसान को, कि कोई व्यक्ति बनावटी हंसी हंस रहा है जो दिखाई पड़ते हैं लोग। शाम को 8 बजे टीवी खोल के बैठ जाएंगे तो हंसेंगे, क्या करने के लिए बैठे हैं? हंसने के लिए बैठे हैं। एक हंसना कार्य हो गया है। हैप्पीनेस इज वर्क नाउ, प्रसन्नता एक कार्य है। जैसे सब्जी काट लेना, कद्दू काट लेना है, बैगन की कलौंजी बना लेना है, कपड़ा पहन लेना है, कपड़ा प्रेस कर लेना है, ईंटा खरीद लेना है, घर बनवा लेना, जैसे ये कार्य है वैसे व्यक्ति के लिए प्रसन्नता भी एक कार्य हो गया है। दिन भर के स्ट्रेस से हम थक के आए, थोड़ी देर चलो वो कॉमेडी नाइट देख लेते हैं, तो वो कार्य हो गया है, दैट हैज बिकम वर्क। लेकिन जो जो रियल में हंसी आती थी आपको, जो खुद से हंसी आती थी, जो अनायास हंसी आती थी और आप हंसते थे बहुत तेजी के साथ, वो हंसी मिस हो रही है, राइट? मेरी बड़ी फेमस लाइन है, अक्सर लोग कोट करते हैं कभी सम्मेलनों में, कि प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, इसलिए दिल में वह बसता नहीं है। आजकल इतनी परेशानी में उलझा आदमी, आजकल
इतनी परेशानी में उलझा आदमी अब कोई दिल खोलकर हंसता नहीं है, अब कोई दिल खोलकर हंसता नहीं है। वो दिल खोल करके जो हंसने वाली अदा थी इंसान की वो खो गई। अब तो जबरदस्ती मुस्कुराते हैं लोग फालतू की चीजों पे, चुटकुले सुनकर के हंसना पड़ता है और चुटकुलों के भी हाई डोज लगते हैं। पहले छोटे छोटे चुटकुले आते थे, छोटी छोटी चीजें होती थी, उस पर हम हंस लेते थे। अब हंसने के लिए भी इतने गंदे गंदे चुटकुले सुनने पड़ते हैं। जैसे होता नहीं कि पहले होता था, पहले के टाइम में कि आदमी को जुकाम बुखार होता था तो 150 mg की एंटीबायोटिक ले लेता था तो ठीक हो जाता था, क्योंकि लोगों की कैपेबिलिटी ठीक थी, कैपेसिटी ठीक थी। अभी स्ट्रेस का लेवल इंसान का इतना बढ़ गया है कि वो छोटे मोटे चुटकुले हंसाते ही नहीं, वो कॉमन लगते हैं। अरे ठीक है, वो बहुत हाई डोज लेनी पड़ती है। और इंटरटेनमेंट के हाई डोज आप लोग देख रहे होंगे इस समय मूवीज में। पहले असरानी छोटे छोटे चीजों पे हंसा देते थे, कादर खान हंसा देते थे, अब हंसाने के लिए कितनी गंदे से गंदी चीजों का प्रयोग कर दिया जाए। बुआ और भतीजे का रिश्ता कितना प्यारा होता है, लेकिन देखिए कि कपिल शर्मा के शो में कितना गंदा लेबल दिखाया जाता है, जो एक औरत के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, उन चीजों को दिखा करके हंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना घटिया से घटिया बोल दें कि आप हंसे, क्योंकि सामान्य चीजों पे आप हंसेंगे ही नहीं। ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज, आप में से ग्रैंड मस्ती किसी ने देखा है? ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज आने लगी हैं, उसको देखोगे तब हंसी आएगी आपको। सामान्य मूवीज आपको हंसा ही नहीं पाएंगी, क्यों? क्योंकि आपके स्ट्रेस का लेवल क्या हो गया है? हाई हो गया है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम, सारा का सारा बारूद लेकर के आप अपने मस्तिष्क में टहल रहे हैं और आप हंस नहीं पा रहे हैं, राइट? इसलिए मूल रूप से गोल्डस्मिथ ये कहना चाहता, गोल्डस्मिथ वांट टू से कि सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस इज इनसाइड यू, नथिंग कैन मेक यू लाफ। लेट एनी मैन कंपेयर हिज प्रेजेंट फॉर्चून विद द पास्ट, व्हाट एन एक्सीलेंट लाइन गोल्डस्मिथ वांट टू से। जस्ट कंपेयर योर प्रेजेंट विद योर पास्ट फॉर ए मिनट, थिंक वॉट यू हैव टूडे राइट नाउ, इन वॉट कंडीशन यू आर। जस्ट कंपेयर इट विथ योर अर्लियर टाइम, जस्ट कंपेयर इट विथ योर पास्ट। अपने अतीत से अपने वर्तमान की तुलना करो बेटा, कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी हमेशा। जब भी आप अपने अतीत को याद करोगे, जब भी उसको अपने वर्तमान के साथ कंपेयर करोगे, एंड ही विल प्रोबेबली फाइंड हिमसेल्फ अपॉन द होल नाइदर बेटर नॉर वर्स देन फॉर्मली, तो आपको लगेगा कि बहुत सी चीजें कल आपके पास नहीं थी जो आज हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि उस टाइम थी आज नहीं है, और बहुत सी चीजें आज हैं उस टाइम नहीं थी। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, चाहे वर्तमान को आप देखेंगे, चाहे अपने आने वाले आइंदा मुस्तकबिल को देखेंगे, कमिंग फ्यूचर को देखेंगे, सब चीजें एक वक्त में कभी नहीं मिल सकती हैं। अपने अतीत को आप अगर याद करोगे, वर्तमान के साथ कंपेयर करोगे, तो लगेगा कि उस टाइम ये चीजें मेरे पास थी लेकिन आज नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजें उस वक्त आपके पास नहीं थी जो आज है, तो उस वक्त भी मुस्कुराने के साथ साथ पछताने के लिए बहुत कुछ था, और आज भी पछताने के साथ साथ मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। कुछ कमियों के साथ, कुछ समृद्धियों के साथ जीने का नाम ही जीवन है, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, राइट? उन कमियों के साथ अगर आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, यही जीवन है। बाकी फिलोसफिक एस्पेक्ट ऑफ हैप्पीनेस इफ यू वांट टू सर्च, अगर प्रसन्नता का दार्शनिक पक्ष आप प्राप्त करना चाहते हो,
जिसकी बात प्लेटो किया करता था, जिसकी बात अरस्तो किया करता था, आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल। और मैंने जैसे कि कल के लेक्चर में आपको बताया भी था कि हम अरस्तु को, हम प्लेटो को, हम मैकियाबेली को, हम सुकरात को आखिर माने तो क्यों माने। उन्होंने अपनी सोच के बारे में लिखा था भाई, उनकी निजी परिस्थितियां थी, उनको आज के बारे में नहीं पता था कि आने वाले समय में, उनको थोड़ी ना पता था कि आने वाले समय में मोबाइल भी लोगों के दुखों का कारण बनेगा। तो मोबाइल के दौर वाले उनकी बात काहे माने, बोलो भाई। उनको थोड़ी पता था कि आने वाले समय में साइबर क्राइम भी लोगों के दुखों का कारण बनेगा, वो तो उसी परिस्थिति में लिख गए थे। तो हर व्यक्ति की निजी फिलॉसफी होती है, किसी फिलॉसफर को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। ग्रेटिफाइड एम्बिशन और इरिपेरेबल कैलेमिटी में प्रोड्यूस ट्रांजिएंट सेंसेशंस ऑफ प्लीजर ऑफ डिस्ट्रेस। दीज आर द इमोशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। योर एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा, योर एम्बिशन, योर कैलेमिटीज, योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट मेक आउट द कैलेमिटीज, दे आर इरेपरेबल, इनसेपरेबल फ्रॉम योर लाइफ। आप ये सोचेंगे हमेशा ही आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा एक जैसा वक्त रहेगा, कैलेमिटीज से कभी आपको दो हाथ करना नहीं पड़ेगा, ये हो नहीं सकता। संसारम दुखालयम शाश्वतम, गीता में कहा गया है, संसारम दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, शाश्वत दुखालय, साक्षात दुख का स्वरूप है ये संसार। आप किसी पुस्तकालय में चले जाइए और डिप्टी लाइब्रेरियन से कहिए भैया दो गर्मा गर्म समोसे दे दीजिए, क्या वो देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो पुस्तकालय है, वहां पुस्तक मिल सकती है आपको, समोसा नहीं दे सकता वो। और किसी भोजनालय में चले जाइए और उससे कहिए भैया मुझे विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ दे दीजिए, जॉन गाल्सवर्दी की जस्टिस दे दीजिए, जॉर्ज बर्नाल्सा की सेंट जोन दे दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि दे दीजिए, क्या वो दे पाएगा? क्योंकि पुस्तकालय नहीं है वो, वो भोजनालय है, वो भोजन दे सकता है, वो आपको पनीर दे सकता है, वो आपको चावल दे सकता है, आपको रोटियां दे सकता है। तो जब ये संसार, संसारम दुखालयम शाश्वतम है, गीता कहती है कि ये संसार दुखालय है, तो यहां दुख ही मिल सकता है, यहां सुख मांग क्यों रहे हो? हैप्पीनेस बट इज एन ऑकेजनल एपिसोड ऑफ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। इस कोटेशन को जीवन में हमेशा याद रखिएगा। हैप्पीनेस अक्सर थॉमस हार्डी के उपन्यासों में इसको यूज किया जाता है। मैं कल हार्डी को पढ़ा रहा था आप लोगों को, हार्डी के उपन्यासों के लिए कोटेशन यूज किया जाता है कि हैप्पीनेस इज बट एन ऑकेजनल एपिसोड ऑफ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। राइट, दर्द से भरे हुए जीवन के नाटक में प्रसन्नता कभी कभी आती है, बाकी जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो इन्हीं दुखों के बीच ही खुशियों को तलाश करना पड़ेगा। बीच बीच में बारिश की फुहार की तरह ये प्रसन्नताएं आती हैं, बाकी तो जीवन तपती हुई रेत पर चलने जैसा ही है। राइट, ग्रेटिफाइड एम्बिशन, इरिपेरेबल कैलेमिटी मे प्रोड्यूस ट्रांजिएंट सेंसेशन ऑफ प्लीजर ऑफ डिस्ट्रेस। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स इमॉर्टल, नेवर डाइंग, कभी ना समाप्त होने वाला, इसी में सेंसेशंस ऑफ प्लीजर और डिस्ट्रेस, प्रसन्नता और दुख शाश्वत रूप से इन्हीं चीजों में विद्यमान है।
न कभी आप अपने आप को प्रसन्नताओं से मुक्त कर सकते हैं कि हम कभी खुश ही ना हो, और न कभी आप दुखों से मुक्त कर सकते हैं कि हम कभी दुखी ही ना हो। राइट, लाइफ इज मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। कभी सुख है कभी दुख है, जीवन सुख दुख का संगम। ओके, कभी खुशी कभी गम। राइट, कभी प्रसन्नता मिलेगी कभी दुख मिलेंगे। ठीक, सबका अपना कोटा है, सबकी अपनी वैल्यू है, और दैट इज प्रसन्नता प्राप्त करने लगी क्या क्लास में बैठे बैठे? मुझे सुनो, ठीक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। प्रसन्नता और दुख, इसका मिक्सचर ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। तीखे तीखे समोसे के साथ अगर मीठी सी चटनी रहती है तो अलग आनंद आता है। उसमें दोनों की अपनी वैल्यू है। अच्छी सी पूड़ी उड़ी खाते रहते हो, पनीर उनीर खाते रहते हो, फिर उसके बाद खीर खाई जाती है। ये जो कंट्रास्ट होता है जीवन का ना, यही है, यही लाइफ की खूबसूरती को बढ़ाता है, यही लाइफ की खूबसूरती को बढ़ाता है। जैसे 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 थोड़ा सा तीखा खा लो, तीखा खा लो, मुंह एकदम तीखा तीखा हो जाए, मिर्च चली जाए अंदर, मुंह एकदम तीखा तीखा हो जाए, तो आप क्या खा लोगे? गुड़ खा लोगे। क्या खा लोगे? तो उस वक्त गुड़ खाने में बड़ा मजा आता है। काहे लिए मजा आता है? अगर ये तीखा ना खाए होते तो गुड़ का मजा ना आता। बोलो भाई, बहुत तेज गर्मी रहती है, पसीना चूता रहता है, और फैन जब चलने लगता है तो बड़ा मजा आता है। ये फैन क्यों मजा दे रहा है पता है? क्योंकि गर्मी लगी थी। अगर गर्मी ना होती तो फैन का मजा ना आता। अगर मृत्यु न होती तो जिंदगी का मजा ना आता। ये जो जवानी का मजा होता है, ये बुढ़ापे का भय है। अगर वृद्धावस्था का भय न होता कि कभी हम बूढ़े हो जाएंगे, तो इस जवानी का मजा ना आता। और यही इस दुनिया की खूबसूरती है। कभी जीवन में अवसर मिले, बर्चेस नामक पोयम पढ़ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अमेरिकन पोएट है। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, जिसकी एक पोएम आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड ए माइल्स टू बिफोर आई स्लीप, एंड ए माइल्स टू बिफोर आई स्लीप। पढ़ा होगा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? उनकी पोएम कभी बर्चेस पढ़ना। वो कहता है, दुनिया से इतना तंग आ गया हूं मैं मरना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं मरना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान मेरी प्रार्थना को बहुत जबरदस्त सुन ले, एकदम से मार डाले। नहीं, थोड़े टाइम के लिए मरना चाहता हूं, और जब जब थोड़ा मन रिलैक्स हो जाए तो फिर से जिंदा हो जाऊं, क्योंकि मैं इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। और उसकी वो लाइन यूं ही साहित्य के आसमान में चमकती हुई हमेशा के लिए खड़ी है, शाश्वत खड़ी है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये लाइन उसकी यक्ष पंक्तियां हैं साहित्य के लिए। अर्थ इज राइट प्लेस फॉर लव। प्रेम करने के लिए संसार से अच्छी जगह नहीं बनी है, क्योंकि न नर्क में प्रेम होता है न स्वर्ग में प्रेम होता है। जहां इच्छाएं ही नहीं है, जहां उम्मीदें ही नहीं है, जहां आकांक्षाएं ही नहीं है, वहां न नफरत हो सकती है न प्रेम हो सकता है। स्वर्ग में संबंध ही नहीं होते, नर्क में संबंध ही नहीं हो सकते। न स्वर्ग में आनंद है न नर्क में आनंद है।
अगर प्रेम कहीं करने के लिए ईश्वर ने प्रसाद प्रदान किया है तो किसको प्रदान किया है? इस संसार को प्रदान किया है। इसलिए अगर यहां हम प्रेम नहीं करते हैं, यहां खुश नहीं रह सकते हैं, तो फिर हम कहीं जा नहीं सकते, राइट? ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। गीत ऋषि गोपालदास नीरज को कभी सुनिए, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं, राइट? गीत एक जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ये कुआं ताल, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो के न हो। धूल माटी की जरा सर पे चढ़ा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं, गीत एक जरा झूम के गा लूं तो चलूं। नीरज जी गाते हैं कि संसार से जाना है, लेकिन इस संसार से अच्छी जगह संसार में कोई भी और दुनिया में नहीं हो सकती। यही प्रसन्नता है, यही दुख है, सारी चीजों का स्रोत यही विद्यमान है। ओके, यही प्लीजर है, सेंसेशन ऑफ प्लीजर और डिस्ट्रेस, दोज स्टॉर्म्स में डिसकंपोज इन प्रपोर्शन एज दे आर स्ट्रॉन्ग और द माइंड इज प्लांट टू दियर इंप्रेशन। अल्टीमेटली ही वॉन्ट टू से दैट माइंड इज द प्लेस। अगर मिल्टन को कभी आपको पढ़ने का मौका मिले पैराडाइज लास्ट में, वहां वो कहता है नथिंग इज हेल, नथिंग इज हीवन, माइंड इज इट्स ओन प्लेस, राइट? माइंड कैन चेंज हेल इन हीवन एंड हीवन इन हेल। न स्वर्ग है न नर्क है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजों का केंद्र बिंदु केवल और केवल आपका मस्तिष्क है। यही मस्तिष्क ही स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। माइंड इज प्लान टू दियर इंप्रेशन बट द सोल तो फर्स्ट लिफ्टेड अप बाय द इवेंट इज एवरी डे ऑपरेटेड अपॉन विथ diminished influence and at length subsides into the label of its usual tranquility। चलो भी कल पढ़ते हैं, okay?